अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई आप सबके? कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, टिप टॉप मज़े में होंगे। और भाई आज फ्राइडे है, सबको सबसे पहले जुम्मा मुबारक। और जो है उम्मीद है सब अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। और बस मैं भी जो हूँ अभी फ़िलहाल आज लेट हो गया। व्लॉग मेरा हमेशा बच्चों की ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है और बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए, बस यही है। तो आज जो है जुम्मे की कुछ मसरूफियात होती हैं, नमाज होती है, फिर उसके बाद बच्चों का खाना वाना, तो उसमें फिर यही हो जाता है कि शाम हो जाती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। और आप लोग बताएं क्या हो रहा है? आप लोग सब खैरियत से हैं अपने घर में? और जो है रमज़ान की तैयारी किस किस की स्टार्ट हो गई है? मेरी भी स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी हो गई है। जैसे कल मैं गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए वाटर पम्प, तो वहाँ से मैं आलू और प्याज तो फुल भर के फुल फाइनल में लेकर आ गई हूँ। तो ये कि अच्छा है रमज़ानों में ये कि हमें ख्वार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक तो सबसे पहले जो है रमज़ानों में इतना रश होता है, तो रश के बाइस तो बिल्कुल ही बाहर निकला ही जाता। और जो मेरे मियाँ हैं वो तो बाहर जाते ही नहीं हैं ऑफ़िस से आने के बाद, वो कहते हैं जो मंगवाना है पहले मंगवा लो। तो सब ने अपने घरों में काम वाम स्टार्ट कर दिए होंगे रमज़ानों में, जो होता है लाइक चटनियाँ वगैरह जो लोगों के यहाँ सब बना के सब रख लेते हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह कल से अपना स्टार्ट करूँगी। तो जो मैं भी जो है वो क्या कहते हैं इमली की चटनी हम लोग घर में ख़ुद बनाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कल बनाऊँगी या परसों, जो भी जिस दिन में बनाऊँगी आप लोगों से ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। माशाल्लाह से वो इतनी मज़े की बनती है, उसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट डलते हैं, थोड़े डलते हैं लेकिन कम डलते हैं, लेकिन बहुत मज़े की होती है। ये कि फिर हम लोग जो है कोई केचप खाता है, कोई चटनी खाता है, और मैं तो वही चटनी खाती हूँ। चटनी के बगैर तो जो है पकौड़ा तो निवाला हलक से गुजरता ही नहीं है। वाह क्या सीन है। आप जो है वो अम्मी को बहुत तंग करते हैं, तो ये कि मुझे नीचे जाना पड़ रहा है उनके पास, वो रहते नहीं है नीचे जाके जो है। आप रखकर आओ स्लीपर, रखकर आओ, जाओ स्लीपर रखकर आ जाओ, मैं भी आके बॉयल करती हूँ। हाँ कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ। आपको देख रहे हैं कि याहिल साहब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? कुकू के पास खिला हुआ याहिल, ये रहा मेरा कुकू। कुकू तो कुकू ना खुश हो जाता है देख के। कुकू अच्छा, कुकू जो है वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं आज, कुकू का बात करने का टाइम वो नहीं है। ओफो पोज तो देखे जरा इनके, चलो तस्वीर खींच लेती हूँ मैं। चलो भाई क्या कर रहे हो तुम? कैसे हो? A few moments later. तो ऊपर आ गए हैं और आयल साहब जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि गर्मी इतनी शदीद हो रही है, असल में मेरा जो फ्लोर है वो काफ़ी गर्म रहता है ना, तो उसमें ये होता है कि मैं ज़्यादातर नीचे चली जाती हूँ दोपहर में, फिर रात में जब अदनान आते हैं ऑफिस से तो फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ अपने फ्लोर पर। रात में यही कि ऐसा हो जाता है कि आप वहाँ पर रह सकते हैं ठंडा, यानी मीन्स कि मेरा फ्लोर ठंडा हो जाता है। तो दिन के वक्त ऐसा होता है कि अब जो मौसम स्टार्ट हुआ है तो उसमें ये कि जस्ट अभी तकरीबन कुछ दिन बाद रमज़ान स्टार्ट है, तो एक वैसी एक छोटी सी मैं टिप देना चाह रही थी जो मैं खुद करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ कि आप लोग ये कर सकते हैं कि जैसे अभी रमज़ान आने में टाइम है, तो दिन में तो खैर पानी पी नहीं सकेंगे रोज़ों की वजह से, तो ये कि अभी से अगर हम लोग कुछ अपने ऊपर कुछ डिटॉक्सिकेशन करना स्टार्ट कर दें, तो ये कि हमारी बॉडी में अच्छा है कि जो एक्स्ट्रा टॉन्सिल्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये कि जैसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से हो जाए, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए कि हमें अगर हम अपने लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं यार इसको कौन सा वाला पानी होता है ये, तो ये कि तो थोड़ा सा ये कि जो ये मौसम आजकल चल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि जब
हमें लगता है कि जो हमारा वेदर है वो लाइक हीट वेव की तरफ जाना स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अपने लिए एक डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ, हर साल बनाती हूँ मैं, लेकिन स्पेशली ये जो दिन चल रहे हैं मैं इन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए वो पीती हूँ। तो ये कि इस दफ़ा मैंने नहीं बनाया, अब मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो ये कि मेरी अम्मी ने मुझे बना के दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सुबह से तो मैं वो पी रही हूँ, तो एक तो ये हो रहा है थोड़ी थोड़ी बात डकारें आई जा रही है मुझे। यू फील रिफ्रेशिंग, यानी आपको एक रिफ्रेश फील होगा, और मुझे तो ऐसे ही होता है, मुझे आपका नहीं पता कि आपको कैसा फील होगा ये पीने के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पानी में अम्मी ने क्या क्या मिलाया है, और मैं ये सारा दिन में तकरीबन ये 8 घंटे में मुझे एक बॉटल पीनी होती है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैं क्या पीती हूँ। ये है वो डिटॉक्स वाटर जो अम्मी ने मुझे बना के दिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कोई, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे फ्रिज में ईजीली मौजूद होती हैं। सबसे पहले तो ये पूरी एक बॉटल है, ये अम्मी ने पूरी भर ली है, और ये तकरीबन 1 लीटर वाली बॉटल है, ठीक है। 1 लीटर बॉटल में अम्मी ने ये इसमें ये लेमन डाल दिए, ये तकरीबन 3-4 लेमन है, और क्यूकम्बर हाफ है, ठीक है। पील ऑफ नहीं करना, छिलके समेत डालना है, और इसमें है कड़ी लीव्स, ये कड़ी पत्ता, ये आप लोग नज़र आ रहा होगा आपको, ये इसमें कड़ी पत्ता है, और इसमें अदरक का पानी है, ठीक है। अदरक आप कट करके भी डाल सकते हैं, ये अम्मी ने डाली हुई है अदरक, ठीक है। ये रही अदरक, इसमें अदरक भी है, ये इसमें अदरक ये रही, और इसमें आप अदरक जो है वो क्यूब्स करके भी डाल सकते हैं, अदरक का पानी भी डाल सकते हैं। ये कि मैंने जो है वो अम्मी ने जो है वो इस तरह से डाला है, मैं जो बनाती हूँ तो मैं क्यूब्स करके डाल लेती थी, और फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो अच्छा है, ये चिल चिल तो और पिया जाएगा। लेकिन आजकल जो है मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब हुई हुई है, तो मैं जो हूँ वो थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, तो ये मैं पूरी बॉटल तकरीबन 7-8 घंटे में पूरी पी लेती हूँ। शाबाश बेटा, जितना पियेंगे उतनी ज़्यादा डिटॉक्सिनेशन होगी आपकी बॉडी से, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और रमज़ान आने वाले तो उसके लिए तो सुपर डुपर है। आहिल साहब जो है उनके सोने का टाइम हो गया है, और ये मेरे पीछे 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 ये पीछे पीछे फिर रहे हैं मेरे, और ये कह रहे हैं कि मुझे सुला दो। तो ये कि भाई आहिल को सुला लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे 2-3 पेंडिंग के काम हैं जो कि मुझे करने हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो आप ही लोग देख सकते हैं कि आज जो है हम लोगों ने जो है वो सर्दियों के कपड़े जो हैं वो आउट कर दिए हैं आहिल के शेल्फ से, तो ये कि अब ये मुझे शॉपर्स में करके और ये मुझे अंदर रखते हैं, अंदर अपने यानी जो मेरा स्टोर टाइप का जो एक वो है पूरा इस कैबिनेट, उसमें मैं ये सारे रख। A few inches later. हाँ जी, तो क्या हो रहा है भाई, मैं तो यहाँ रोटी डाल रही हूँ, अभी जो है वो ऐसे ही बाहर आए हैं नाश्ता वगैरह लेने के लिए निकले थे हम, तो जो है आयल साहब सो रहे थे, वो सो के उठ गए, तो उन्होंने अच्छा खासा रोना मचाया, तो ये हमारे साथ आए हुए अभी पीछे। हमजा माज जो है वो घर में है, वो सो गए हैं, और ये हमारे साथ आए हुए हैं, तो ये के इंजॉय करने आई हैं हमारे साथ। अब देखें कब तक जगाते हैं हमें, फजर भी हो जाती है कभी कभी, और कभी ऐसा भी होता है कि ये जल्दी सो जाता है या जाके मोबाइल वगैरह देख रहा होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो है मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को प्लीज़ जो भी देख रहा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नॉन सब्सक्राइबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप लोगों की दुआ है तो मैं आगे बढ़ूँगी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एक नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।